सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी टाइगर गांव की तरफ आता है। अच्छा, अंधेरा आएगा तो गांव की तरफ। तो यहाँ पर कितने लोगों को मार चुका है अभी टाइगर? टाइगर अब तक तो एक बार पहले 7 औरतें मारी। अच्छा, 7 औरतें मारी, एक आदमी मारा। अच्छा, कुछ दिन ऐसा होता है ना, अंधेरे होते ही वो गांव के नजदीक आने स्टार्ट कर देता है। ये जंगली जानवर आते हैं, उनके पीछे पीछे वो अपने शिकार के चक्कर में घूमने आता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग आज बढ़िया होंगे। तो गाइज, हम आज हैं रामनगर। ये शाम के समय आप देख लोगे कितनी रात हो चुकी है। अभी आज बज रहे 8 और अभी मैं हूँ रामनगर सुंदरखाल जो गांव है सुंदरखाल ना। तो हमने कहा आज यहीं चलते हैं, लोगों से जानकारी लेंगे। भैया की अभी दुकान है, यहीं बैठते हैं आज, भैया से पूछेंगे। अभी इसके थोड़ा आगे भी हैं एक आध भैया लोग, उनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि लोकल वाले हैं यार सुंदरखाल जस्ट ये है गाँव। तो इनसे पूछेंगे जो जो जानकारी मिलती है। बाकी आप ब्लॉग में बने रहना, आपको ब्लॉग देखना क्योंकि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों को भेज देना क्योंकि ब्लॉग बहुत खतरनाक है। लोगों की जो अपडेट है ना वो बताएंगे आप लोगों को। बाकी देखो कुत्ते भी आने के, ये इनको भी बाहर ना ले जाए, इनको भी अंदर डालना पड़ेगा। तो हम भी चलते हैं अब दुकान के अंदर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप इतनी बड़ी बात को मीडिया में रखते हैं और जनता के बीच में रखें। तो सबसे पहले श्रेय तो आपको ही जाता है कि कुछ भी आपको होगा। दूसरा टाइगर वाली बात रही, टाइगर देखिए हम लोग जंगल के किनारे पर हैं। जंगल के किनारे पर हमारे पास क्या है कि ना तो कोई साधन है। सही बात है ना, जंगल में क्या टाइगर है, हाथी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको पानी के पास जाना होता है। अच्छा, पानी के पास जाता होता तो बीच में गांव पड़ता है। अच्छा, सुंदरखाल गांव पड़ता है। सुंदरखाल गांव में क्या है कि यहाँ हमारे पास उजाले के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं हमारे पास उजाले, हमारे पास उजाले के लिए एक टॉर्च है, एक मोबाइल है। अच्छा, अब उससे वो हमें चीज़ तो दिखाई नहीं देती। सही बात है, दिखाई तो हमें को देगी नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी टाइगर गांव की तरफ आता है। अच्छा, अंधेरा आएगा तो गांव की तरफ। तो यहाँ पर कितने लोगों को मार चुका है अभी टाइगर? टाइगर अब तक तो एक बार पहले 7 औरतें मारी। अच्छा, 7 औरतें मारी, एक आदमी मारा। अच्छा, उसके लिए प्रशासन को प्रेशर डाला गया। प्रेशर डालने के बाद तब वो टाइगर को पकड़ लिया गया, मारने गया। अच्छा, जो उसने अटैक करे थे जंगल में करे या रोड के साइड में करे या घरों में? 2-3 उसमें जंगल के साइड में करे थे। अच्छा, और दो जो जो 5-4 थे वो रोड के बैठ गए, मतलब बिल्कुल रोड पे से उठाए। अच्छा, रोड से? अभी बीच में ही कुछ टाइम पहले ही अभी पनौत के नाले पड़ता है हमारे यहाँ, वहाँ 2 किलो है। अच्छा अच्छा, अच्छे तो नाले से ही? हाँ, नाले बिल्कुल नाले से। अच्छा, ऑन रोड? अच्छा, मतलब लेडीज था, मैन एक जेंट्स था, एक लेडीज थी। अच्छा, वो ऑन रोड मारे दोनों जने को एक ही साथ कर दिया? अलग अलग। हम जंगलात वालों को भी नहीं कह रहे हैं ऐसा कि यार जंगलात वाले भी इसमें बुरे हैं या वो काम नहीं कर रहे, काम वो भी कर रहे हैं। सही बात, लेकिन चक्कर क्या आ रहा है कि वो बस्ती की तरफ को आ रहा है। हाँ। कारण क्योंकि उसको वो जंगल दिखाई दे रहा है। सही बात, अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है तो उसे जंगल दिखाई दे रहा हो। अंधेरे के चक्कर में जंगल गाँव के अंदर आ जा रहा है। अब हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार, अगर हम भी इंसान है, टाइगर को हम नहीं मार सकते, हाथी को हम नहीं मार सकते, लेकिन हमें अगर सुविधा मिल जाती है ना तो हम चीज से बच तो सकते थे, तो चीज को देख तो सकते। वहाँ हाथी कोसी पार, कोसी पार हमने हाथी आ रहा है, कोसी पार हाथी रहता है। अच्छा, कितने हाथी हैं बगल वाले जंगल में? हाँ, जस्ट पीछे इतने हाथी होंगे तो बहुत होंगे यार, दंगल हाथी है उनकी। अच्छा, पूरा झुंड? अरे बाप रे, आए दिन फसलों का नुकसान, कभी कभी घरों में से राशन निकालना। अच्छा, हाथी घर के अंदर उसके राशन निकाल लेते हैं घर के अंदर उसके, बच्चों को जान बचानी भारी हो जाती थी। अच्छा, अरे बाप रे, ये अभी पीछे कुछ टाइम पहले की बात है। अरे मानू लेके आना, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, घर के अंदर हाथी घुस गए, 2-3 हाथी घुस गए। उन्होंने क्या करा कि खींचों के रास्ते से सूंघ डाली और राशन निकाल, उस बच्चों को मतलब उन औरत को पति नहीं होता था घर के अंदर। अच्छा, 4 बच्चे उसके साथ। अब ये लगा लो कि उस औरत के ऊपर क्या बीतरी हुई, जिसका वो हाथी उसके अंदर सूंघ डाल के उसका राशन खा रहे थे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये गांव जंगली जानवरों से घिरा पड़ा है। कभी यहाँ टाइगर किसी को मार दे रहा है, कभी हाथी मार दे रहा है, घर में घुस घुस के मार दे रहा है। हाथी तो टाइगर ने ही पीछे घोड़ा मारा,
घोड़ा मार देगा अजनबी घर के अंदर कितने दिन पहले, दो चार दिन पहले, अभी एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते पहले गाय ने घोड़ा मारा, घोड़ा मारा वो भी घर के बराबर में जो गोर होते हैं ना, मतलब गौशाला बोलते हैं उसको, है ना, हम लोग उसको गोर बोलते हैं, वो गोर गौशाला के अंदर घुस के मार दिया, गाय मार दी, गाय भी मार दी, गाय मार, गाय भी यही वाली, वो भी घर के अंदर, हाँ वही घर के अंदर टाइगर टाइगर। तो अभी कुछ टाइम पहले भैंस मारी यहाँ पर, ये देवी चौड़ा के पास नहीं मारी है पहले, वहाँ भैंस मार दी, आए दिन कुछ ना कुछ मारता जा रहा है टाइगर यहाँ पे, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ किल कर दे रहा है, करते रहे करते रहता है, अभी भी यहीं पे आसपास ही घूम रहा है जंगल सामने, अभी कुछ टाइम पे कुछ दिन पहले आते तो आपको आवाज सुनाई दे जाती है, अच्छा यहाँ आवाज कुछ टाइम किल का वो माहौल चल रहा था, उस टाइम पे टाइगर ऐसे पागलों की तरह घूम रहा था, खून उसके, आपने देखा, दुनिया ने देखा, हमने क्या देखा, दुनिया ने देखा, सभी ने देखा है यहाँ पे, जो जो आया मेरे पास उसकी 7 फोटोज भी है, वही आदमखोर की, आदमखोर उस टाइम पे वो 4 आदमखोर थे जब वो किल करे थे ना, तो 4 आदमखोर, 4 एक साथ, मेरे को उनकी फोटो भी है, चारों पकड़े गए टाइगर ने, पकड़ना किसने भी तो नहीं पकड़ा, एक पकड़ा गया था सुनने में आया था, अच्छा ऐसे घूम रहे थे, बाकी ऐसे ही घूम रहे थे, दबदबा बना रखा था टाइगर ने, पूरा टाइगर ने बना रखा, डर हमें इस बात का है कि बस हम कहीं जा नहीं सकते, अंधेरा होते ही टाइगर का, तो लाइट लग जाए, पानी आ जाए, हाँ। तो टाइगर का यहाँ पे कम होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाए, लोगों की जान से बच जाएगी, हमें कोई चीज दिखाई दे हम उसको दूर ही रहेंगे, अब जो अभी यहाँ आप अंदर जाओ गांव के अंदर ना, रात को भी घर के बराबर अगर आपके टाइगर और हाथी बैठा है तो आपको पता नहीं चलेगा, अरे बाप रे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर के बराबर में हाथी बैठा है, टाइगर बैठा है, तो यहाँ के लोग तो निकलते नहीं होंगे, कहाँ से निकलेगा आदमी यार, डर के निकलना है बेचारे, अगर किसी की तबीयत, किसी की यहाँ तबीयत भी खराब हो गई तो रात को झुंड में निकलते हैं, बताओ अच्छा, बहुत खौफ है भैया, अभी भी खौफ, अभी भी खौफ, वाकई में अभी भी खौफ, ये तो हम जब दुकान है तब जाके हम यहाँ आ गए, नहीं तो मतलब बाइक वालों से हमारा कहना है कि रात में ना चले, वो सतर्क होके इस रोड से गुजर के निकले, अच्छा क्योंकि बाइक वालों पे ज्यादा अटैक कर रहे हैं लैपेट, लैपेट अच्छा लैपेट भी आ गया, इसमें लैपेट आ गया, लैपेट ही तो है जो अटैक करने वाला है, अच्छा अच्छा हाँ, तो मतलब यहाँ पे खौफ मचा रखा उसने है, हाँ जी, और मतलब यहाँ पे अभी तक भैया कोई इंसान इंसान भी मार दिया, मैं कल 2-3 तो नाले के पास मार दिए, उसके बाद गाँव के अंदर भी घुस जा रहा हो, 2 मारे कल, 4 मारे, ये तो मतलब उसका दहशत हो गई है, यहाँ दहशत हो गई है, मतलब हाँ बात ये है, अभी गाय भी मारी है, 2 एक साथ मारे गए, अच्छा 2 एक साथ मारे, रात में मारे, दिन में, रात के 9:30 के बाद 10 बजे के आसपास में, तो गाइस देख लो यही टाइम हो रहा है यार, इतना ही अंधेरा देख लो आप, ये अंधेरा चेक करो, अभी हम भैया के घर पे आए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे सामने दिखा दो, सामने जंगल बिल्कुल, और जस्ट यहाँ पे देखो जंगल है, सामने जंगल है, और ये भाई का घर है, तो समझ सकते हो कि भाई कैसे जी रहा है यहाँ पे, कैसे रह रहा है, देखिए टॉर्च चला जला के बेचारे मोबाइल की लाइट से फ्लैश से दिन भर कहीं और चार्ज करके लाते हैं फोन, उसके बाद यहाँ पे आके रात अपनी काट के बड़ा मुश्किल, लाइट वाइट ही कोई वैसे नहीं है, खाना ना किसी बना देंगे वो, ये लकड़ी वकड़ी से जंगल वंगल जा रहे, इसी वजह से तो फिर दिक्कत हो रही है, लोग जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं, हाँ जंगल जाना दुखा होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, मतलब टाइगर की सुविधा है यहाँ पे और लाइट की सुविधा नहीं है, टाइगर आ जा रहा है, लाइट नहीं आ पा रही है, टाइगर आ जा रहा है, टाइगर घरों में घुस जा रहा है, तो आपका हमारे घर के आगे ही मैंने एक वीडियो बनाया था सिर्फ अपने खुद के कैमरे से, अच्छा मैं शायद आपको वीडियो देता था, आपका ऐसा कोई नंबर मेरे पास था नहीं, जो कि मैं वीडियो अपने घर की शेयर कर सकता था, मेरे घर के बाजू में ही एलिफेंट आया था, अच्छा दादा ये सर भी आए काफी, देखो आप रात तो? देखो इंसानों के लिए दिन बनाएगा, जानवरों के लिए रात बनाएगा, और वो घरों मुहान से लेकर ही गर्जिया तक, अच्छा इतना है ही उसका एरिया, उसका एरिया है, एरिया क्या होता है अब, तो पहले जब 4 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर एरिया बढ़ता था, अच्छा वो कहते थे ना एक शेर का 20 किलोमीटर एरिया होता है, अब 20 किलोमीटर एरिया में 5 शेर हो जाएंगे, 4 किलोमीटर दायरा है तो ज्यादा तो हो गई है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उस चीज से तभी वो गाँव में घुस रहा है, बिल्कुल है ना, यही तो चीज है, तभी गांव में रात को जानवर क्या करता है बताओ, जंगल से मैदान में निकलना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा सारे इंसान के वो उसके पीछे पीछे टाइगर भी आ जाता है, अच्छा मारने के लिए, हाँ मारने के लिए, और नीचे यहाँ पे नीचे नदी है, पानी भी नहीं है, और एक बार खून लग गया तो फिर तो वो वैसे भी छोड़ देता है, क्योंकि ऐसा ना इंसान सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि भाग भी नहीं सकता ना, उसके पीछे दौड़ने की मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो टाइगर के बराबर इंसान नहीं दौड़ सकता, नहीं दौड़ सकता, ये है उसमें, टाइगर के अंदर ताकत भी बहुत है, इंसानों से ज्यादा ताकत है, अच्छे से जानवर को उठा के ले जाता है, आपने देखा भी अभी तक टाइगर, बिल्कुल मैंने तो कई बार देखा है,
भैया देख लो लेपर्ड तो हमेशा ये करता है ना पेड़ के ऊपर ले जाता है टाइगर के डर से कि मेरा शिकार कहीं टाइगर ना खाती करके। अच्छा पेड़ में ले जाता है। हाँ, पेड़ में ले जाता है और वो पेड़ों में बैठ रहता है लेपर्ड। पेड़ में इस जो एक जंगल है मोहन का यहाँ है टाइगर वो लेपर्ड भी है। लेपर्ड भी है। अच्छा लेपर्ड का भी खौफ है मतलब यहाँ लोगों में जानवर जंगली जानवर भी है लेपर्ड भी है और टाइगर भी है। क्या करता है जैसे कुत्ते वगैरह उनको छोटे छोटे बकरी उनको मारता है। अच्छा ये है। अच्छा टाइगर टाइगर तो जानवर के पीछे इंसान को भी मार देता है। ये चीज है। अच्छा तो आपको तो यहाँ पे रहना मतलब बड़ा जिंदगी टफ है। आपको कितना टाइम हो गया दादा यहाँ पे? तो मेरे को तो मेरी जन्म स्थली यही है। मेरे को 40वां साल लग रहा है। इतने साल से आप यहाँ पे ऐसे रह रहे हो? बिल्कुल पहले से और लाइफ के बिना 72 में हमारे गांव का यहाँ निर्माण हुआ था। तो ऐसे लोग बेचारे लोग रह रहे हैं डर के जीना हो भैया। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पे लाइट होती सुविधा कई प्रकार की होती घेरबाड़ होती मतलब किसी भी सोलर फेंसिंग होती तो आदमी उस हिसाब से रहता है। 7 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल सुबह रहती है बिल्कुल है। ये भैया भी आए आजादी के बाद और हमारे कहते हैं कि इंसान से बड़ा टाइगर है। इंसानों को मार रहा है इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आप थोड़ा बताइए यही आपका भी सामने घर है तो आप थोड़ा बताइए गांव के बारे में कि मतलब आपको टाइगर दिखा है और कैसा खौफ है? टाइगर देखा है। कितना खौफ है टाइगर? मैंने पहले 3 वो कर दिए। क्या कर दिए? मतलब इंसान मार दिए और गाय जानवर भी मारे हैं। अभी हाल ही में जानवर मारे हैं घोड़ा वोड़ा किसका मारा है आसपास यहाँ? अभी घोड़ा और भैंस भी तो मारी है। हाँ मारी है भैंस गाय वगैरह बहुत सारी। अच्छा गाय तो बहुत मार रहे। अच्छा गाय बहुत मार दिया। मतलब ये टाइम उसका हो गया जानवर का वो टाइगर का रोड में आने का टाइम हो गया। ये मतलब आदमी का टाइम खत्म हो गया रोड में आना जानवर का हो गया। तो आप लोग भी सब अंदर यहाँ से देखा होता है और किसी का कोई पता नहीं रहता है। ऐसी लोकेशन में खड़ा होना भी बेकार। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है जो हमने लाइट लगा रखी है वही कहने बाकी देख लो कैसे पूरा एरिया जो है ये लोग भी भैया इंसान है। बिल्कुल हम ही सोचते हैं हमको भी सबको फैसिलिटी मिलती है सुविधाएं मिल जाए जिससे हम शेर का डर ना हो टाइगर का डर ना तेंदुआ वगैरह हो। लेकिन ऐसा होता है ना अंधेरे होते ही वो गांव के नजदीक आने स्टार्ट कर देता है। ये जंगली जानवर आते हैं उनके पीछे पीछे वो अपने शिकार के चक्कर में घूमना आता है क्योंकि जानवर को भी खुद को डर होता है मैदान में चले जाता है जिससे उसे आहट होती है एहसास होता है कि हाँ हम उससे खुशबू से पहचान लेंगे और हम इससे दूर निकल लेते हैं क्योंकि जंगल में जो है कभी भी हवा विपरीत चलती है। अगर टाइगर आ रहा होता है और हवा चल रहा उत्तर से चल रही है और टाइगर आ रहा उत्तर की ओर तो उसे महसूस नहीं हो पाता जानवर को और इसीलिए उसका शिकार हो पाता है। तो आपने देखा कभी टाइगर? हाँ बिल्कुल बहुत बार देखा। आपको लग देखेंगे ना आप लोग अभी जाओगे आप यहीं से? हाँ आप जा रहे हैं। चलो कुछ नहीं क्या भैया ठीक है आप भी चल लोगे? बिल्कुल सर जी। बाकी क्या होता है? बिल्कुल हो जाएगा हमारे लिए कुछ हो जाएगा तो आपसे कौन होगा आपके लिए? टेंशन मत लो आप देंगे आपको सपोर्ट। बाकी आप चैनल को कह दो लोगों से सब्सक्राइब। हाँ बिल्कुल मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के लिए कहता हूँ चैनल का सब्सक्राइब करिए लोगों को शेयर करिए और बहुत दूर तक पहुँचाइए। तो और क्या कह सकते हैं इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे ऐसी ब्लॉग में नेक्स्ट। बाय।